हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मसूरी से जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर, जो कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है उसके ही जस्ट ऊपर है। मतलब जो टॉप है उसको पीक बोलते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है और मसूरी से सिर्फ 7 किलोमीटर समथिंग समथिंग डिस्टेंस पर है। सर जॉर्ज का घर 1832 में बनाया गया था यहाँ पर, जो कि ये है। सर जॉर्ज थे जो कि 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे थे। ये जो आगे आपको हाउस दिख रहा है, ये हाउस पे अभी काम चल रहा है, यही है जॉर्ज का जो हाउस है, तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है। चलो चलते हैं आगे। आ जा आ जा, चालू है चालू। ध्यान से आना, आराम से उस साइड से आ जा। हाँ ऐसे ही ऊपर रख आप। आ जा इधर, इधर आ जा। बहुत शानदार। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से देख पाओ। और बहुत प्यारी जगह है, बहुत फॉग है, कहीं पे धूप दिख रही है ऊपर से तो कहीं पे फॉग दिख रहा है। यहाँ से लैंडोर और मसूरी पूरा दिखता है, जो कि आप आगे थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं जब धूप निकलेगी। अचानक से कभी धूप निकलती थी, कभी वैसे ही वेदर हो रहता था जैसे कि कोहरा रहता है। जन्नत है भाई, मौज करती तूने तो वीडियो बना के। क्यों फोग आ रहा है? शानदार। अकेले अकेले घुस रहा है। वाह। अभी देखो कितना सारा फॉग दिख रहा है, देख सकते हो आप, बहुत फॉग दिख रहा है। बिल्कुल यही है पीक, जिसको अपन पीक बोलते हैं। और हम बिल्कुल ऊपर गए थे, हम नीचे से नहीं रिटर्न आए थे। बहुत से लोग नीचे से ही मतलब चढ़ते नहीं हैं उस पर, बहुत मतलब ऊपर रहता है, बहुत हाइट पर है, 2100 मीटर की हाइट पर है, जिसमें से पैदल बहुत चलना पड़ता है। तो हम तो ऊपर गए थे बिल्कुल टॉप पर। चलो आप एंजॉय करो, वीडियो देखो। और यहाँ पे जो भी ये फॉग दिख रहा है, बिल्कुल अभी धुंध सी छाई हुई है। अभी ये देखो यहाँ पे मकान दिख रहे होंगे आपको, थोड़े थोड़े से वाइट से कलर में, देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी धूप आएगी तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। मुड़ पे गांबू कर रहा हो फर्स्ट पे जैन चांद पहले सूर्य ही होगा तो वो कई अजीत क्या में तो कांटे यार अजीत। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप आ गई है और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो भी शूट कर रहे हैं साथ में, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं धूप आ चुकी है हमारे पास में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आप भी एंजॉय करिए, हम भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। वीडियो ये बंदा वाह हो गया है, मसूरी में आके कमांडर ले लिया इसने। एक महीना हो गया अभी तक उठा नहीं है समाधि से। हेलो गाइस, आगे हम इसमें आपको सहस्त्रधारा वाटरफॉल भी दिखाएंगे, तो आप प्लीज़ बने रहें हमारे साथ वीडियो में।
आगे आपको एक झलक सहस्त्रधारा वाटरफॉल की भी दिखाएंगे, जो कि देहरादून से 18 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। तो चलो आप एक वीडियो एंजॉय कीजिए, उसके लास्ट में हम आपको एक पार्ट्स उसका भी डालेंगे, जो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में हूँ। तो चलो आप एंजॉय करिए, मिलते हैं। एक बात और बताता हूँ मैं गाइस आपको, उस टाइम पर जब मैंने ये वीडियो शूट किया था, उस टाइम पे हमारा यूट्यूब पर चैनल नहीं था, जो कि फिर मेरी वाइफ ने बोला था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो उनके वीडियो आते रहते हैं, मैं तो वीडियो डालता नहीं हूँ, वही बनाती हैं वही डालती हैं। तो चलो आप एंजॉय करिए, किसी दिन हम एक साथ दोनों आएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, जिसमें उसमें हम आगे आपको बताएंगे जो भी है, हमने कैसे क्या शुरुआत की और कैसे क्या हमने अपना आगे का प्लान किया हुआ है, जो सब कुछ बताएंगे आपको कहाँ से हैं। दोस्तों ये है सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून। देखिए यहाँ पे कोरोना के टाइम पर भी कितने लोग नहाते हुए दिख रहे हैं। देखिए बहुत प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो एक बार लाइव में जरूर आए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत प्यारा व्यू है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हुआ हूँ, ये देखो ये देखो।